भैया मेरा वीडियो मत डालो, नहीं या? डालो सब डालो नहीं हो मेरे फैमिली ना बताओ। ठीक है ठीक है। I always wanted to buy gym weights. It's more convenient for me to work out at home as of now because of all the job and all. I can get up anytime I want and start working out. Agar job ka scene nahi rehta, then also I always wanted weights in my house, easily accessible and reliable. Gym jaane nahi hua ya timings mismatch ho gaya, so you can always have a backup and work out at home. From the last past week, I was searching for weights online. Amazon पे, Flipkart पे, मेरे पास पहले भी PVC weights थे, but they were bad, very bad. उसमें से थोड़े time बाद cement वगैरह निकलने लगता है, and it's not very reliable. Quality अच्छा नहीं रहता है उसका. Although they are cheap, but not reliable. So I thought कि लेना है तो अच्छा ही लेते हैं. तो always knew about जूना बाजार, which is in Pune. Although I've never been there, but सुना था मैंने कि बहुत antique चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी मिलती हैं, and उसके साथ gym equipments भी मिलते हैं. For a very reasonable price if you are good at bargaining. So that's where I'm gonna go right now and let's see kya dekhne milta hai and kya lete hain. Achhi quality ka mile and obviously price kam rehna chahiye, zyada price nahi rehna chahiye. And I'm looking to buy almost 50 kgs as of now. I know it's not a lot, but filhal to get started 50 kg is enough, I guess. So yeah, let's go. It's past 4 in the evening and it's still so hot and sunny. Aisa lag raha hai dopahar ke 1 baje. This is the district court of Pune city. You'll see all the lawyers and everyone outside here. But what traffic hai yaar aaj idhar. I mean I don't come here regularly but yeah. I have never been to Juna Bazaar previously so I don't know kahan pe exactly. I think यहाँ पे है, आई हैव टू पार्क, हाँ यही है, हैव टू पार्क माय स्कूटर एंड गो. बाजार मंगलवार पेट निकास निगड़ी से आया हूँ. आपको अगर फाइनल मंगता रहेगा ना आपके लिए 35 रुपये जाएगा, उसमें 1 रुपये कम नहीं होगा. डंबल वगैरह है, मुस्कल है, बार वगैरह है लेने पे. क्या हमारा रोज का ही रोज नवे नवे योगा मैट है, एक्सरसाइज के लिए बहुत सारा मटेरियल है, स्पोर्ट के स्केटिंग वगैरह, बैट वगैरह है, कोन है, हेडर्स है, लैडर्स है, रिंग, बेंच प्रेस वगैरह भी है ना जिम के लिए. बेंच वगैरह भी है. और वेट्स कितने किलो के हिसाब से? वेट आपको देखो लोखंड आएगा 50 रुपीज़ के जी और रबर आएगा 20 रुपये के जी. ऐसा डम्बल चाहिए ना, डम्बल चाहिए ना, डम्बल आएगा 80 रुपीज़ के जी. अच्छा, आपके लेने पे आपको जैसा मांगता है वैसा कॉस्टली आएगा. और बार का क्या रेट है? बार आपको आएगा 100 रुपये पर फीट. पर फीट के हिसाब से है क्या? और क्वालिटी अलग अलग है? क्वालिटी अलग अलग है, 100 वाला है, 150 वाला है, 200 वाला है, 50 रुपये पर फीट वाला भी. और दुकान कभी कभी खुली रहती है? डेली है. टाइम? टाइम सुबह 10 बजे से 8 बजे तक,
बेंच प्रेस है, साइकिल वगैरह सब है। और ये कौन है? सीधा सीधा तो एक मत तू पकड़ने का। कुछ रहेगा तो वापस आता। काट दूँगा मेरा। हाँ मेरा नंबर नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, दुकान का है, चले कर देंगे ना। पबजी खेलो ना। खेलूँ क्या? तू देखेगा क्या? हाँ देखूँगा ना। मैं तो खेलता हूँ। हाँ क्या? मैं तो रॉयल पास भी लिया हूँ। तो एक काम कर दे। चलेगा, थैंक यू। संडे को और भेज सकता हूँ ना। हाँ क्या? ठीक है। It's a little inconvenient to carry this, but I have to. Let's go. बहुत बड़ा बाजार है। आई कुड हैव एक्सप्लोर्ड बाकी जगह पे भी, बट यहाँ पे मेरे को अच्छा डिस्काउंट भी मिला। एंड आई गेस सब जगह पे रेट ऑलमोस्ट सेम ही रहते थे, तो इट डिडंट मेक मच सेंस 10 शॉप्स पे जाना अलग से। सो या नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इज टू टेक ऑल दिस 54 kgs with me, around 17 kilometers, 17 kilometers दूर है मेरा घर यहाँ से। तो या देखते हैं अभी। I'm just gonna put some of this weights in my bag. Coming back थोड़ा time लग गया because it was very difficult to carry 50 kgs on an Activa, वो भी rod के साथ, which was around 8 kgs, maybe 7 to 8 kgs, so it was quite difficult, इसलिए थोड़ा late हो गया आते आते। Now I'm gonna tell you कि मैंने total कितने weights लाए हैं and कितने कितने के weights लाए हैं, 10 kgs, 5 kgs and dumbbell भी लाए हैं, तो डंबल में भी अलग से वेट्स है। एंड हाउ मच ऑल दिस कॉस्टेड मी और बार का प्राइस भी क्या है, एवरीथिंग आई एम गोना शो यू राइट नाउ। सो दीज आर ऑल द वेट्स एंड द बार and the dumbbell which I got. So this is the heaviest weight जो लिया मैंने, this is 10 kgs
बाय द वे आई डिडंट टेल यू कि ये रबर प्लेट्स है, ऑल दीज आर रबर प्लेट्स. इतना प्रीमियम क्वालिटी नहीं है लाइक हाउ यू गेट इन द जिम जो ब्रांडेड रहता है. अगर बट अगर इस पर कोई ब्रांड का स्टिकर लगाया एंड यू सेल इट, किसी को समझेगा नहीं कि ये यू नो ब्रांडेड है या नहीं है. सो इट्स क्वाइट गुड. तो 10 केजीज के मैंने दो लिए, सो टोटल 20 केजीज. एंड देन दिस इज़ द 5 केजी का वेट व्हिच आई हैव गॉट. अगेन दिस ऑल्सो आई हैव गॉट टू ऑफ देम. देन कम्स दिस डम्बल. सो अभी इसमें वेट्स इज दिस 2.5, दिस इज 2.5 एंड दिस इज 1 केजी. सो इट्स 5 and 1 6 एंड यहाँ पे सेम 6. सो दिस इज 12 केजी का डम्बल. इसको निकाल भी सकते हैं, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. एंड ऑब्वियसली आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ डम्बल्स. एक डम्बल का क्या करूँ, सो आई हैव गॉट 2 ऑफ देम. एंड दिस इज़ माई फेवरेट क्योंकि इसका क्वालिटी इज टॉप नॉच. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा क्वालिटी मिलेगा, बट या आई गॉट इट. ऑल्दो ये थोड़ा ऐसा है, ऐसा दिख रहा है थोड़ा स्क्रिबल्ड, बट आई डोंट थिंक इट वुड अफेक्ट बिकॉज ओवरऑल इट्स परफेक्ट. इट्स वेरी स्लीक, इट्स हैवी, दिखता है वो हैवीनेस एंड क्वालिटी. एंड ये क्लिप्स भी है विच आई हैव गॉट. सो या दिस वॉज द टोटल थिंग्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम जूना बाजार. एंड द मेन क्वेश्चन इज कितने में पड़ा ये सब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली डिपेंड्स हाउ गुड आर यू एट बार्गेनिंग, बिकॉज व्हेन आई वेंट ओवर देयर मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, मैं डायरेक्ट एक ही दुकान में गया एंड वहाँ से ही ले लिया. व्हेन आई वेंट ओवर देयर ही सेड इट्स फॉर 50 रुपीज़ पर केजी एंड 50 केजीज मतलब 2500. बट मैंने ये सब इन टोटल द डम्बल्स एंड ऑल द वेट्स एंड द बार इंक्लूडिंग ऑल दिस मेरे को ये अराउंड 2200-2300 में पड़ा. 50 रुपीज़ पर केजी में नहीं लिया ऑब्वियसली, बहुत कम करके लिया. यू कैन डू द कैलकुलेशन. एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स कितना कम करा सकते हो तुम लोग, उसके हिसाब से यू विल गेट अ ब्रिलियंट डील. मैंने अमेजोन पे भी वेट्स देखे थे बट वो पीवीसी वेट्स थे, दे आर नॉट क्वाइट गुड. प्लास्टिक रहता है एंड उसके अंदर सीमेंट भरा रहता है, सो उतने रिलायबल नहीं रहते हैं. एंड रबर इज अकॉर्डिंग टू मी इट्स परफेक्ट क्योंकि स्टील का वेट्स भी नहीं, बिकॉज आई एम गोना वर्कआउट ऑन द टेरेस एंड यू नो जब रखते हैं तो ठप ठुप ठुप कुछ टूट फूट सकता है, बट रबर का उतना इफेक्ट नहीं होएगा. एंड रबर आई डोंट नो, रबर फील्स मोर प्रीमियम एंड आई वॉन्टेड टू टेक द रबर प्लेट्स सो आई गॉट देम. एंड सिंस आई गॉट दीज मैंने इस पे से ये प्लास्टिक नहीं निकाला था बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिमूव इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो इट्स सिमिलर टू जब आप कोई नई चीज़ लाते हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और उसके ऊपर का प्लास्टिक निकालते हो, सेम फील आ रही है. ओह माय गॉड द स्मेल इज ब्यूटीफुल.